जनपद संभल के गुन्नौर तहसील के रजपुरा विकास खंड के ग्राम रजाबली में हुनर व लगन की कैंची से महिलाएं गढ़ रही आत्मनिर्भरता की कहानी। कोरोना महामारी के दौरान बड़े बड़े महानगरों में रोजी रोटी की तलाश में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने अपने गांव की तरफ रुख कर लिया था। ऐसे में गांव में आए तो जीवन यापन के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। सरकार ने आपदा में अवसर खोजने के लिए प्रेरित किया तो मनरेगा व अन्य साधनों से रोजगार अर्जित किए गए। इसी कड़ी में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को परिषदीय विद्यालयों के बच्चों की यूनिफॉर्म की सिलाई की जिम्मेदारी दी गई। अपने हुनर और लगन की कैंची से महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। 10 महिलाओं का समूह एक दिन में 30 से 40 यूनिफॉर्म तैयार करके करीब 3000 तक की आमदनी कर रहा है। मामला गुन्नौर तहसील क्षेत्र में ब्लॉक रजपुरा के गांव रजाबली का है, जहां पर चेतना स्वयं सहायता समूह की 10 महिलाएं सिलाई के काम में इन दिनों जी जान से जुटी हैं। प्रत्येक दिन 30 से 40 यूनिफॉर्म की सिलाई कर 3000 रुपए तक कमा रही हैं। आत्मनिर्भर भारत की एक नई इबादत लिख रही हैं। महिलाएं औरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्राथमिक विद्यालय परिसर में सिलाई मशीन पर कार्य कर रही महिलाओं को देखकर नहीं लगता कि ये घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं। हुनर और लगन से कैंची चलाते ये हाथ अपनी आत्मनिर्भरता की कहानी लिख रही हैं। चेतना स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष वेदवती यादव ने बताया कि हम ये कार्य करके 3000 रुपए प्रत्येक दिन कमा लेते हैं, जिसके लिए उन्होंने सरकार को धन्यवाद कहा। वही विद्यालय के हेड मास्टर गौरव यादव ने कहा कि चेतना स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यूनिफॉर्म तैयार करके दे रही हैं, जिसके माध्यम से 10 लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। वही समूह के सदस्य ने भी सरकार द्वारा समूह के माध्यम से यूनिफॉर्म तैयार कराने के फैसले के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। क्या नाम है आपका? महेंद्रवती। कहाँ रहती हैं? रजाबली। अच्छा, आप जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यूनिफॉर्म सिल रही हैं, तो कैसा लगता है आपको? सही लग रहा है, बढ़िया। अच्छा, लॉकडाउन के बाद ही आपको काम मिला घर बैठे, तो सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगी? हाँ। क्या कहेंगी सरकार के लिए? ये अच्छा काम मिला आपको? अच्छा मिला। सरकार के द्वारा प्रति बच्चा 600 रुपये आता है, जिसमें से 150 रुपये सिलाई का जाता है और बाकी 450 कपड़ा खरीदना होता है। तो ये 150 रुपये सिलाई का आता है, ये जो है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सिला जाता है। जो कि हमारे यहाँ स्वयं सहायता समूह है, चेतना स्वयं सहायता समूह नाम से, तो उनके माध्यम से सिलाई की जाती है। अच्छा, कितनी यूनिफॉर्म यहाँ से ली जाएंगी? हमारे अभी हाल ही में जो पैसा आया है वो 131 बच्चों का आया है, और 131 बच्चों की प्रति बच्चा 2 ड्रेस जो है सिलाई की जा रही है। अरे, चेतना समूह समूह में कितनी महिलाएं हैं? चेतना स्वयं समूह जो है इनका 10 महिलाएं हैं। 10 महिलाएं हैं। अच्छा, इनकी क्या रोज की इनकम होती होगी? इनकम यही है कि लगभग जो है 30 से या 40 लगभग ड्रेस सिलते हैं, तो वो लोग 20 बच्चे का ड्रेस सिल लेते हैं और 15-30 3000 रुपये लोगों पर डे इनका इनकम पड़ जाता है पूरा समूह का।